छोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना दिवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाए। एक पौधा हम भी लगाए, एक पौधा हम भी लगाए। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं शिक्षा क्रांति मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीन तरह के कार्यक्रम हम शिक्षा क्रांति मंच से करते रहते हैं, जैसे कि प्लांटेशन और स्वच्छता और एक संवाद। तो आज हम प्लांटेशन और क्लीनिनेस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धरोट में आए हैं, जहां पे हमने प्लांटेशन की और क्लीनिनेस से संबंधित कुछ बच्चों को भी जागरूक किया। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्कूल में आने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप जो आज स्कूल में आए और हमारे बच्चों ने और हम सभी ने जो प्लांटेशन किया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आगे से भी आप इसी तरह से हमारे स्कूल में आएंगे और हमें अच्छे अच्छे पर्यावरण के बारे में टॉपिक्स बताएंगे और बच्चों को भी क्लीननेस के बारे में बताएंगे, हमें भी बताएंगे और हमारा सहयोग करेंगे। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसी स्कूल के एक अध्यापक कपिल सर से मैं उनका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि जो हमने यहाँ पे प्लांटेशन की, वो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? सबसे पहले तो मैं आप सभी का, आपकी शिक्षा क्रांति जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और एनजीओ है, स्वागत करता हूँ हमारे विद्यालय प्रांगण में। तो आपका जो ये मोटो है क्लीनिनेस, आपका प्लांटिंग ड्राइव और आपका अवेयरनेस करने के रिगार्डिंग, ये बहुत ही अच्छा मोटो लगा हमें। आप कुछ प्लांट्स लेके आए हमारे पास, इट्स बिन अ गुड जर्नी फॉर यू पीपल ऑल्सो। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोगों से हमारा जुड़ाव बना रहे, क्योंकि हमारे पास आप फर्स्ट टाइम ऐसा कोई एनजीओ हमारे स्कूल में पहुंचा है आज, तो हम औरों से भी अपेक्षित रहेंगे कि और एनजीओ भी हमारे से जुड़े, हमारे आसपास के एरियाज़ में आए, कोई प्लांटेशन ड्राइव को लेके आए, कोई क्लीननेस ड्राइव को लेके आए, जिसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हमारे बच्चों का, हमारे पेरेंट्स का, पूरी एसोसिएशन के साथ से हम मिलके काम करेंगे। बाकी आप लोगों का काफ़ी अच्छा मेरे को मोटो लगा, काफ़ी अच्छा आपकी इनिशिएटिव है कि आपने, सबसे अच्छा तो प्लांटेशन, नॉर्मल प्लांटेशन नहीं लाई गई, एक स्पेसिफिक हमारे हिमाचल में दो तीन तरह के प्रमुख पेड़ है, एक आपका देवदार है, एक बान है और एक आपका ओक है। तो आप उनमें से एक पर्टिकुलर प्लांट लेके आए जो बान, वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इफ़ वी कम हेयर इन फ्यूचर, सो विल यू अप्रिशिएट आवर वर्क? डेफिनेटली वी आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क ऑन द फर्स्ट विजिट ऑफ योर सेल्फ ऑलरेडी, है ना। सो आई एम आस्किंग और आई एम अर्जिंग यू पीपल लाइक दैट ऑफ योर सोसाइटी ऑल्सो, एनी अदर एन जी ओ दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद, यू कैन ऑल्सो टेल दैम दैट देयर इज अ स्कूल इन proximity in Solan, so you should visit the school and try to develop the or monumentally try to change the environment over there. And so will you try in future to? We will definitely ask you after 2 or 3 months. You could come and check out the drive you have put through. You can check out how we are doing with that. Okay, so definitely after 2 or occasionally or quarterly, you people can come with the new ideas or new phenomena, we can definitely enlarge it. Thank you sir, it was nice to meet you. Dhanyawad ji. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vishwa. Choti moti koshishe badlegi zindagi, hum aane wale kal ko khushiyon se mehkaaye. Ek ek shaakhon par phoolon sa khilta apna divaas, hum sab milkar is एक पौधा हम भी लगाए, एक पौधा हम भी लगाए। छोटी मोटी कोशिशें बदली।